और उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का मामला अब चर्चाओं में है। जहां पर ढालीपुर स्थित निगम के भवन में आला अधिकारियों की बैठक हुई है, वहीं इस बैठक के साथ अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने में काम आने वाली मशीनरी, जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि निगम के प्रांगण में मोर्चा संभाले रही, परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी राजनीतिक दबाव के चलते अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है और निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी फिलहाल मीडिया से सामने खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गरीब लोगों के आसियानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा या फिर निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण रहेगा। विकास नगर से जसिंह वेस्ट की रिपोर्ट। कुछ परिवारों को, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके मकानों का अतिक्रमण कर दिया जाए। उसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण। जब एक मकान बनता है तो उस मकान को एक पानी का कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन, एक सड़क, ये व्यवस्था सरकार करती है। इसका मतलब सरकार उस मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यहाँ ऐसे प्रकरण भी हैं जिनकी सूची हमने एकत्रित की है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, तो जब सरकार ने उनके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनको एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया, उनको एक स्वास्थ्य कार्ड दे दिया, तो अचानक उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो इल्लीगल एनक्रोचर।